8 अक्टूबर 2005 के जलजले से तबाह होने वाले मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों की तामीर नौ और मुतासरीन की बाली जलजले के 6 साल बाद भी एक सवालिया निशान बनी हुई है। खतरनाक करार दी गई बड़ी बड़ी इमारतें किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बन सकती हैं। माजी की हुकूमतों इरा और सीरा की जानब से शहर की तामीर नौ के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान और बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद न हो सका। एक मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के हिसाब से कोई रोड खुली होनी थी, कोई तंग होनी थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। मास्टर प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और ये पाबंदी अभी तक आयद है कि कोई बंदा नई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये जलजले के बाद किसी गवर्नमेंट ने ना यहाँ के आवाम से तावन किया है, ना ताजरों के साथ तावन किया है, और सड़क की उसी तरह बुरी हालत है, सीवरेज का सिस्टम उसी तरह है, ताजरों का वही हालत है और स्कूलों का वही हालत है। मुजफ्फराबाद बाग और रावलाकोट शहर की तामीर नौ के मजमूई तौर पर 230 मनसूबों में से अब तक सिर्फ 15 मनसूबों पर काम का आगाज किया जा सका है। ये मनसूबे चीन के माली तावन से मुकम्मल किए जाएंगे। ओवरऑल फिगर पे जाएं तो 230 प्रोजेक्ट्स जो थे उसमें से हमने 73 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रायोरिटी वन में किए और उन 73 में से 15 पे काम स्टार्ट हुआ है। हमें खुद इस बात का एहसास है कि ये जो है सिटी डेवलपमेंट का काम ये बहुत स्लो है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। तंग गलियों और बाजारों में गैर कानूनी तामीरात रोकने वाला कोई नहीं। ये देखिए, ये वही रोड है जो PM हाउस तकरीबन कुछ फासले पर है। ये दारुल खिलाफा का ये हालात हैं। जो यहाँ से गुजरते गाड़ियाँ हैं वो उनके भी हालात आपने देखे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से कितने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। जो जलजले के अंदर ये बिल्डिंग आपके सामने है, इस बिल्डिंग को इस वक्त तक इदारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हैं, इस बिल्डिंग का मलबा नहीं उठा सके, नया क्या डेवलप होगा। मुतासरीन ने जलजला के साथ किए गए वादे कब पूरे होंगे, मुजफ्फराबाद के शहरी हुक्मरानों और हुकूमती इदारों से ये सवाल पूछने में हक बजानब हैं। इम्तियाज अवान, आज न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।